निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो विवादित बयान है, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो चाटुकारिताओं की सीमाएं पार कर दे। मुख्यमंत्री बने हुए अभी 10-12 दिन नहीं हुए हैं और लगातार विवादित पर विवादित बयान देते जा रहे हैं। कभी ये राम की तुलना मोदी से करते हैं, कभी ये बच्चियों के फटी जींस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, और अभी आज इनका ताज़ा बयान आया है, इन्होंने पूरे भारत को जो है अमेरिका का गुलाम बता दिया। जबकि इनको ये नहीं मालूम कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा, आतताइयों ने भारत पर कब्जा किया और भारत के वीरों ने उस कब्जे को हटाया, देश आज़ाद हुआ। मगर क्या करें, जो शिक्षा इनको मिली है ये उसी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात यह है, ये भुवनचंद खंडूड़ी जी के अटूट शिष्य रहे हैं। इन्होंने भुवनचंद खंडूड़ी जी की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे शिष्य को खंडूड़ी जी कैसे झेलते रहे। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में ये बयान बहुत भारी पड़ेंगे। हम इनको आने वाले समय में मुद्दा बनाएंगे।